और देश में चीता रिटर्न्स पर बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चीते के भारत आने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चीतों के सफर में बदलाव किया गया है। अब नामीबिया से चीते जयपुर नहीं बल्कि सीधे ग्वालियर लैंड करेंगे और फिर ग्वालियर में उतरने के बाद उन्हें श्योपुर के पास पूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। पहले ये तय हुआ था कि नामीबिया से चीतों को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाएगा और फिर वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, लेकिन अब सफर के इस रूट में बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामीबिया से भारत आ रहे हैं 8 चीते। पहले जयपुर में उनके विमान की लैंडिंग होनी थी, लेकिन इस रूट पर अब बदलाव कर दिया गया है। भारत आ रहे चीतों पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीतों के लिए जो रूट तय किया गया था उसमें बदलाव की खबर है। अब सीधे ग्वालियर में चीतों का ये विमान उतरेगा और सीधे वहीं पर लैंडिंग कराई जाएगी। इस रूट में बदलाव की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और लैंडिंग के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क जहां इन चीतों को ले जाया जाना है वहां पर ले जाया जाएगा। और सफर के इस रूट में बदलाव की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चीतों के लिए जो रूट तय किया गया था उसमें बदलाव किया गया है। और नामीबिया से ग्वालियर के लिए उड़ान भरने वाले जंबो जेट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी शनिवार को नामीबिया से विमान ग्वालियर उतरेगा और फिर ग्वालियर से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। जिस विमान से 8 चीतों को लाया जा रहा है उसमें उनके लिए खास तैयारी की गई है। विमान के सीटों को हटाया गया है और दूसरे जरूरी उपकरणों को उस जगह पर सेट किया गया है ताकि नामीबिया से ग्वालियर के लिए चीतों की उड़ान में कोई दिक्कत ना आए। कल प्रधानमंत्री इन 8 चीतों का कूनो नेशनल पार्क में ग्रैंड वेलकम करेंगे। आपको बता दें कि 70 साल के बाद देश में चीतों की वापसी हो रही है। कल का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इसी मौके पर चीतों का ग्रैंड वेलकम होगा। देश में चीतों की वापसी होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे चीतों का ग्रैंड वेलकम करने के लिए क्योंकि कल उनका जन्मदिन भी है। नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं और उसके लिए खास तौर पर तैयारी की गई है। जिस विमान से उन्हें लाया जा रहा है उस विमान में बदलाव किए गए हैं, सीट को हटाया गया है, जरूरी उपकरण वहां पर सेट किए गए हैं ताकि चीतों को इस सफर के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। और ये विमान सीधे ग्वालियर में लैंड करेगा, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें पूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। पहले जयपुर में लैंडिंग होनी थी लेकिन इस पर बदलाव किया गया है। तय रूट में बदलाव की भी खबर है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 चीतों का ग्रैंड वेलकम कल होगा कूनो नेशनल पार्क में। तीन सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार, सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान, शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता, ये रफ्तार, ये गुर्राहट, और घने जंगल में टहलता चीता 70 साल बाद भारत में नजर आएगा। 70 साल बाद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता भारत लौट रहा है। सत्रह सितंबर, यानी वो तारीख जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और इस बार ये तारीख यानी 17 सितंबर और भी खास होने जा रही है क्योंकि इस दिन पीएम मोदी देश को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसे भारत की आवाम ने 7 दशकों से नहीं देखा है। 17 सितंबर को देश में 1-2 नहीं बल्कि 8 खास मेहमान आ रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया आपको भारत आ रहे इन खास मेहमानों से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीर दिखाएगा
जो आज से पहले कहीं नहीं देखी गई है। तो 70 साल बाद ही सही पर चीता एक बार फिर भारत लौट रहे हैं और ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन प्रोजेक्ट चीता की बदौलत। जी हाँ, चीता को भारत लाकर प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जो 17 सितंबर की तारीख को ऐतिहासिक बना देगा। 17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और इस दिन प्रधानमंत्री देश को चीता का रिटर्न गिफ्ट देकर और भी खास बनाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता, वो एक नाम, वो एक परियोजना, वो एक विजन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। ये मौका इतना खास है कि हम भी अपनी कहानी की शुरुआत उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से कर रहे हैं जिनमें आपको 70 साल बाद उन खास मेहमानों का दीदार होगा। यही वो 8 खास मेहमान हैं जिन्हें चीता कंजर्वेशन फंड नामीबिया की मदद से भारत लाया जा रहा है। इन 8 मेहमानों में 5 मादा चीता और बाकी 3 नर चीता हैं। इनमें से पहली मादा चीता की उम्र 2 साल, दूसरी मादा चीता की उम्र 3 से 4 साल, तीसरी मादा चीता की उम्र 2.5 साल, चौथी मादा चीता की उम्र 5 साल, पांचवी मादा चीता की उम्र भी 5 साल है, पहले नर चीता की उम्र 5.5 साल, दूसरे नर चीता की उम्र भी 5.5 साल, तीसरे नर चीता की उम्र 4.5 साल है। ये अफ्रीकी देश नामीबिया के CCF यानी चीता कंजर्वेशन फंड के उस चीता रिजर्व की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां भारत आ रहे इन खास मेहमानों को रखा गया। नामीबिया के चीता फॉरेस्ट रिजर्व में आराम फरमाते, टहलते और खेलते कूदते ये तमाम चीता अब आपको भारत के कूनो नेशनल पार्क में इसी तरह नजर आने वाले हैं। भारत लाने से पहले इन सभी को क्वारंटीन में रखने के साथ साथ इनकी वैक्सीनेशन भी की गई है। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क में इन सभी चीतों पर नजर रखने के लिए इनके गले पर सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं। The first site where we're planning to take the cheetah is Kuno National Park, and Kuno was prepared for the last 20 years for the reintroduction of the Asiatic lion. And the lions have not yet come to Kuno. The reasons are myriad and many, but it's also an ideal habitat for the cheetah as well. और ये उस भारतीय टीम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो प्रोजेक्ट चीता के तहत इन खास मेहमानों को 70 साल बाद भारत वापस लाने के लिए नामीबिया गए। नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने के दौरान हर वो एहतियात बरता गया जिसकी जरूरत है। आप प्रोजेक्ट चीता की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन चीतों को नामीबिया से भारत लाने की पूरी प्रक्रिया में नामीबिया में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल भी शामिल रहे। We are delighted to be working with Government of Namibia on this very important project, a very special project which we are calling the Cheetah Project. Now, as you know perhaps that India has a very rich diversity of flora and fauna, which included cheetah. Cheetah used to roam India's wild till recent times, but it went extinct after our independence in 1952. So we are trying to get cheetah back to India. That will help us fill a void, a gap which was created in our ecosystems. ये सच है कि भारत में 1947 के बाद से चीते नहीं देखे गए, लिहाजा तत्कालीन सरकार ने साल 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया था। तब से लेकर अब तक चीतों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए लेकिन चीतों का देश में पुनर्वास हो नहीं पाया। लेकिन अब प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद
भारत ने नामीबियाई सरकार के साथ भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए एक करार किया। अब उसी करार के तहत 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क लाया जा रहा है। इन्हें कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करने से पहले CCF की फाउंडर डॉक्टर लॉरी मार्कर खुद कूनो नेशनल पार्क आ चुकी हैं। After the 2009 conference, I was then invited to Kuno and in Madhya Pradesh to look at an area that they had identified which could be perfect for the cheetah. And it was very good. Good prey populations, good habitat. It looked like it could be a perfect place to bring the cheetahs back. And did a full master plan along that and shared that obviously with the government, which is why I was there to do that. दरअसल प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है और इस परियोजना के तहत चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। इस पूरे मिशन के लिए भारत और नामीबिया सरकार की ओर से एक एक्सपर्ट टीम गठित की गई। भारत की तरफ से इस टीम में नामीबिया में भारत सरकार के राजदूत प्रशांत अग्रवाल, प्रोजेक्ट चीता के साइंसदान डॉक्टर झाला यादवेंद्र देव, पर्यावरण मंत्रालय से डॉक्टर सनत कृष्णा मूलिया और रेवेन्यू विभाग से कस्टम अधिकारी अनीश गुप्ता, तो नामीबिया की ओर से CCF की फाउंडर डॉक्टर लॉरी मार्कर, चीता स्पेशलिस्ट एली वॉकर, डाटा मैनेजर बार्थिलामी और RCCF के अधिकारी डॉक्टर एना बेस्टो मिशन का हिस्सा बने। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों के पहुंचने के बाद भारत दुनिया का वो इकलौता देश बन जाएगा जहां बिग कैट फैमिली की 4 प्रजातियां यानी शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता होंगे। We don't have tigers in that landscape, but it is connected to Ranthambore, which is a very good tiger reserve. So is the potential of tigers dispersing into Kuno area very much there. So it would be probably the only place in the world where we have tigers, lions, cheetahs and leopards coexist, 4 large cats, 4 large carnivores in the same area. It would be unique. It would be a fantastic opportunity to study interactions between these carnivores and see how they manage to survive together. मौका खास है तो जाहिर सी बात है कि भारत आ रहे इन खास मेहमानों को देश लाने के इंतजाम भी खास ही होंगे। लिहाजा भारत सरकार ने खास तौर पर इन 8 चीतों को भारत लाने के लिए एक खास विमान बोइंग 747 जंबो जेट नामीबिया भेजा है और ये उस खास विमान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस विमान को 70 साल बाद भारत आ रहे इन मेहमानों के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इस विमान पर चीता पेंट किया गया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये विमान 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक के हुशिया कोटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 9 बजे उड़ान भरेगा। इस दौरान ये विमान 8,360 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करेगा। फाइनली 8 चीता अभी हम नामीबिया से प्रथम बैच में ला रहे हैं और इसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल फीमेल हैं, 3 मेल हैं और इनको हम चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से ला रहे हैं और ये सीधे विंडहॉक नामीबिया की जो कैपिटल है वहाँ से उड़ान भरेगी फ्लाइट और सीधे ये जयपुर आएगी। ये 16 की शाम को टेक ऑफ करके 17 की सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जयपुर एयरपोर्ट पर आनी चाहिए इसको और फिर जयपुर से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इन चीतों को हम कूनो ले जाएंगे। ये उस बोइंग 747 का एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसके जरिए 70 साल बाद चीता भारत की सरजमी पहुंचेगा। इस विमान में चीतों को रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए सबसे पहले तो विमान की इकोनॉमी क्लास की सभी सीटें हटाकर वहां चीतों के पिंजरे रखने की जगह बनाई गई है। इसके साथ साथ इस विशेष विमान में चीतों की देखभाल करने के लिए 2 डॉक्टर और एक्सपर्ट होंगे। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये विशेष विमान नामीबिया से हिंदुस्तान तक बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करेगा। यात्रा के दौरान चीतों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि चीतों की तबीयत ना बिगड़े।
जो भी हम लाइव एनिमल ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, साइटिस के भी इसमें रूल्स हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर चीतों को जिसमें सहजता से लाया जा सके, ऐसे हवादार इनके क्रेट्स बनते हैं जिसमें हैंडलिंग भी आसान होती है और उनको भी अधिक तकलीफ़ नहीं होती। तो ऐसे क्रेट्स में जो लगभग 114 सेंटीमीटर लंबे, 118 सेंटीमीटर ऊंचा और 84 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, ऐसे क्रेट्स बनाए गए हैं और उनको एक चीते को एक क्रेट में, इस प्रकार आठ क्रेट में आठ चीतों को रख के लाया जाएगा। अब बस पूरा देश उस पल का इंतजार कर रहा है जब ये विशेष विमान देश के खास मेहमानों को लेकर वापस पहुंचेगा।